इनकी क्वालिटी का फर्क है। अच्छा जैसे ये देखे ना, इसको आप फील करेंगे तो इसकी क्वालिटी कुछ और लगेगी। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेन की है और चाइना की है, दो किस्म की मिले। टेक्नोलॉजी वाइज हम उनसे भी पीछे हैं, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। स्पेन उनसे भी आगे है। अच्छा हाँ, चाइना से भी आगे स्पेन। ये बहुत स्पेन की टाइल है। अच्छा जी। ये हमने देखे लगाई है, ये इकट्ठी लगाई है हमने, इसमें कोई मसलन वो चीज़ नहीं है। ये इसकी क्वालिटी करती है शो के, ये बहुत अच्छी टाइल है। ये 3D टाइल है जी। ये इसका जो डिज़ाइन है ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनता है। ये बेसिकली चाइना में ये चीज़ें अभी नहीं बन पा रही जो स्पेन के पास है, जो सूलत है स्पेन के पास है। तो जितनी मर्जी मुझे टाइल चाहिए आपसे मिल जाएगी जी, कोई मसला नहीं है हमें। आप अगर कहेंगे तो हम कंटेनर इम्पोर्ट भी करके दे सकते हैं। लोग अपना घर बना रहे हैं स्पेशली, वो स्पेन और चाइना की टाइल लगा रहे हैं। अच्छा, जो भी घर ले रहे हैं वो जाके देखें कि उनको टाइल जो लगी है वो अच्छी क्वालिटी की लगी हो, और इम्पोर्टर टाइल लगी हो तो इम्पोर्टर टाइल के पैसे दें, लोकल लगी हो तो लोकल के पैसे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान मिदाज पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक कंपनी में, जहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊंगा चाइना और स्पेन से इम्पोर्ट शुदा टाइल्स। आप लोग हमेशा देखते हैं पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड टाइल्स, आज हम लोग आपको कुछ इम्पोर्टेड टाइल्स दिखाने जा रहे हैं। आज हम लोग इसकी प्राइसेस भी डिस्कस करेंगे, इसकी क्वालिटी भी देखेंगे। आप मेरे साथ रहें, हम लोग अभी जल्दी से चलते हैं ताहिर साहब के पास और इसकी प्राइसेस जानते हैं। मेरे साथ रहिए। क्या मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पास क्या क्या होता है, किस किस में डील करते हैं? सर हमारे पास चाइना की और स्पेन की दोनों टाइलें, ठीक है, फ्लोर की भी हैं और वॉल की भी है। अच्छा जी, ये दो वैरायटीज में हमारे पास टाइलें होती हैं। अच्छा, अगर मैं रेट डिफरेंस बात करता हूँ कितना का आपके पास होता है? आप तो डायरेक्ट इम्पोर्टर हैं जी जी, तो आम मार्केट और आपकी फैक्ट्री का कितना रेट डिफरेंस आता है? जो हमारा तो बेसिकली होलसेल का काम है ना। अच्छा, हम यहाँ पे तो रिटेल वाला डील नहीं कर रहे होते, हम डील ये देते हैं दुकानदार को। अच्छा, हमारे गोडाउन से उठाते हैं वो अपनी मर्जी से, जैसे उनकी दुकान की लोकेशन है या दुकान की मार्केटिंग है वो हिसाब से देख के उसको बेच रहे होते हैं। हमारा ये डिस्प्ले हमने रखा है ऐसे, जैसे आप लोग आए हो, कोई दोस्त आ गए, उनको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। बाकी ये हमारा सारा होलसेल का सेटअप है। अच्छा, होलसेल ही कर रहे होते हैं। ठीक, और टाइलें कौन कौन सी होती है? किचन वगैरह सारी आपके पास होती हैं? किचन की भी हैं, वॉशरूम की भी हैं, फ्लोर की भी हैं, उसमें फिर वैरायटी है आगे स्पेन की है और चाइना की है, दो किस्म की हमारे पास है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ मुझे दिखाएं सबसे पहले, फिर कौन सा दिखाएंगे? मैं आपको वॉशरूम की टाइल दिखाता हूँ सबसे पहले। जी जी, ये चाइना की है, ठीक है जी। ये साइज है इनका 3x1x3, ठीक है, ये 12x36 हो गए इंचज में, ठीक है। ये देखें, ये हमारा एक वॉशरूम है। अच्छा जी, ठीक है जी। ये हमारा दूसरा वॉशरूम चाइना में। अच्छा जी, ये चाइना ही है, ठीक है जी। ठीक है, ये सर इसमें क्या स्पेशल है पाकिस्तानी और इसमें कितना डिफरेंस है और क्या इसमें? पाकिस्तान के अभी जो टाइल बन रही है वो उसके मटेरियल अभी इतने अच्छे नहीं है, जो चाइना की स्पेशली टाइल के मटेरियल बने होते हैं और जो उनके डिज़ाइन है और जो उनकी टेक्नोलॉजी, समझ लें टेक्नोलॉजी वाइज हम उनसे भी पीछे हैं, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। स्पेन उनसे भी आगे। अच्छा हाँ, चाइना से भी आगे स्पेन। ये चाइना की सारी हम लोग देख, ये अभी चाइना की है, मैं स्पेन की भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी प्राइस का मुझे थोड़ा सा आइडिया। प्राइस जो है ये अभी हम इनका होलसेल रेट जो है हमारा ये तकरीबन 2300 रुपया हम होलसेल कर रहे हैं पर मीटर के हिसाब से। हाँ हाँ जी, 2300 रुपये, 2300 रुपये पर मीटर। और साइज से फर्क पड़ता है रेट को, कि अच्छा। साइज छोटा है तो रेट कम हो जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा रेट भी बड़ा होता जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा और मुझे कौन सा दिखाएंगे? मैं दिखाएंगे आपको भी ये देखे सर, ये चाइना की है, पहले चाइना वाली देख लेते हैं। ये दिखाइए जी, इसमें कलर वगैरह बड़े प्यारे नजर आ रहे हैं ना। कितने सर कलर आपसे मिल जाते हैं मुझे? ये हमारे पास कोई 20 से 25 फ्रेम चाइना के हैं जो वॉशरूम की टाइल हैं, और वॉशरूम की टाइल में किसी में 4 पेयर हैं, किसी में 3 पेयर भी हैं, इनमें 3 है फिर 4 वाली भी है हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये मैट में कीमतें मुझे साथ साथ में थोड़ा बताते हैं। कीमतें कुछ लिखी भी हुई हैं हमने। अच्छा जी, लेकिन ये साथ साथ ना ये ग्लॉस वाली है, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्लॉसी है, वो मैट है, पीछे सारी ग्लॉसी है हमारे पास। मैं आपको चाइना की पहले वैरायटी दिखा देता हूँ सारी। अच्छा जी, ये देखें, ये भी चाइना की है। ये किचन की वॉल पे भी लग जाती है। अच्छा, बड़ी प्यारी टाइल है ये तो। ये दिखाइए जी सर, इसकी थिकनेस वगैरह कितनी होती है? थिकनेस इनकी 12 mm। 12 mm जी, 12 mm थिकनेस है। अच्छा, और ये समझ लें कि चाइना में सबसे बेस्ट होती है। 12x36 लिखा हुआ है ना, ये साइज है इसका 12x36 जी जी, ये थिकनेस है वो 12 mm है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी चाइना की है। अगर 4 पेयर वाली देखनी वो भी दिखा देते हैं, ये चाइना की। अच्छा, वो दिखाइए। ठीक है, ये चाइना की है, इसमें
दो मोटिव हैं और ये बाकी इसका फ्लोर है और वॉल है। अच्छा जी, ये दो मोटिव होते हैं। इसमें ये होता है कि सिलेक्शन करने के टाइम आपको इजी हो जाता है कि यार ये वाला मैं कर लेता हूँ, ये नहीं करता। बाहर लोग दोनों ही कर लेते हैं, बाहर लोग एक पे करते हैं कि ठीक है यार इतना डिज़ाइन नहीं करना वॉशरूम में, एक है वो एक से हिसाब से करते हैं। थिकनेस सारी की सेम है या डिफरेंट? हाँ, थिकनेस सबकी सेम है लेकिन इनकी क्वालिटी का फर्क है। अच्छा, जैसे ये देखें ना, इसको आप फील करेंगे तो इसकी क्वालिटी कुछ और लगेगी। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये कीमतें, मुझे साथ साथ में थोड़ा आइडिया देते हैं। कीमत हमने एक ही रखी हुई है, आपको बताया 2200 रुपया हमारा होलसेल का रेट है ना। अच्छा जी जी, तो घर के लिए मतलब मिल जाएगी मुझे या सिर्फ? नहीं, मिल जाती है यहाँ से, लेकिन वैसे कह रहा हूँ जैसे आप लोग दोस्त हैं, हम लोग आपको कहते हैं कि यार ये हमारे पास आ जाए, आप आते हैं देखने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले इसलिए बनाया हुआ। अच्छा, गुड, ठीक है। और वैसे हमारा शोरूम उधर फेज 6 में भी है, NMC टाइल्स के नाम से, वहाँ पे फेज 6 में भी। ये देखें, ये अब ग्लॉसी टाइल है। अच्छा जी, ये शाइन वाली है, वो मैट वाली थी सारी, ये चाइना की सारी, ठीक है जी। सारी फ्रेश है बिल्कुल। हाँ, ये सारी ए पेयर है, कोई इनमें बी पेयर नहीं है। हाँ, ये देखें, अब इसको आप हैंड फील करें और उस स्टाइल को आपको फर्क पता चल जाएगा कि इनमें काफी सारा फर्क होता है। अगर मैं डिलीवरी की बात करता हूँ सर, उसका क्या तरीका कार आपका? डिलीवरी ऐसा है कि हम लोग आपके साथ जो भी हमारा रेट तय हो जाता है, या जैसे भी आपके साथ हमारा एक मीटरेज निकल आती है और बिल उसका इशू हो जाता है कि इतना बिल आपका बन गया, तो हम बिल बनाने के बाद आपको कहते हैं कि आप हमें पेमेंट दे दें। आप पेमेंट देते हो, थ्रू बैंक दे दो, थ्रू कैश दे दो, जैसे आपको ईजी लगे। और उसको फिर ये होता है कि नेक्स्ट डे या टूमारो एडवांस पेमेंट है या कैश ऑन डिलीवरी? एडवांस पेमेंट कैश हो या वो बैंक ट्रांसफर हो, दोनों सूरतों में एडवांस। अच्छा जी, और मुझे कौन सा दिखाएंगे? अब मैं आपको स्पेन की टाइल दिखाता हूँ। ये बहुत स्पेन की टाइल है। अच्छा जी, और ये फुल पोर्सिलिन टाइल होती हैं। अच्छा जी, और ये हमारे पास जो भी टाइलें पड़ी हैं, क्योंकि ये टाइल जो फ्रेम पे लगती है, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वो आपको ये टाइल इस तरह लगा के दिखाएंगे कि ये टाइल में थोड़ा फर्क रखेंगे कि ताकि इसकी जो एजेस हैं और चीज़ें नजर ना आए कि ये ऊपर है नीचे है। वो टाइल की ग्रेडिंग होती है कि वो अगर जोड़ के लगाते हैं तो टाइल में अगर फर्क आता है तो उसका मतलब टाइल में थोड़ा 19-20 है और क्वालिटी का फर्क है। तो ये हमने देखे लगाई है, ये इकट्ठी लगाई है हमने, इसमें कोई मसलन वो चीज़ नहीं है। ये इसकी क्वालिटी करती है शो के, ये बहुत अच्छी टाइल है, ऐसे ही है, ठीक है। ये साइज है हमारा 18x36 और ये स्पेन की टाइल है। अच्छा, और इसका रेट शुरू होता है 4500 रुपये से, 4500 रुपये, ठीक है जी। अब ये हमारे 2-3 फ्रेम जो है वो सारे 4590 के ही हैं। अच्छा जी, जैसे ये अब भाई देख लें, ये वाली दिखाइए जी, ठीक है। ये सारी पोर्सिलेन टाइल होगी और इसके आगे यहाँ पे नेम भी लिखे होते हैं, ये लिखे हैं न्यूकर, ठीक है जी। इधर भी लिखा होगा न्यूकर की टाइल है जी, ये स्पेन की कंपनी है न्यूकर उसकी। अच्छा जी, अब ये देखें जी, बड़ी लेवल की टाइल है ये तो। ये 3D टाइल है जी, ये इसका जो डिज़ाइन है ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनता है। ये बेसिकली चाइना में ये चीज़ें अभी नहीं बन पा रही जो स्पेन के पास है, जो सूलत स्पेन के पास है। तो ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये इसके डिज़ाइन और इसकी थिकनेस, और ये पोर्सिलेन टाइल है, ये सिरेमिक टाइल नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे अब आगे आते हैं कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो, ये देखें, ये अब हम बेसिकली ये स्पेन का सारा उनकी एक सीरीज है जिसको लिथोस कहते हैं, और ये उसके साइज लिखे हुए हैं 4590, ये है हमारा सेंटीमीटर में और ये है इंचेस में, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास जो अवेलेबल है उनमें से बाकी में ये भी डिज़ाइन लगाएंगे, ये भी उनके पास वराइटीज हैं। अच्छा जी, और ये हमारे पास उनका ही बेसिकली फ्रेम एक बना हुआ जिसमें डिजाइन, जितनी मर्जी मुझे टाइल चाहिए आपसे मिल जाएगी जी, कोई मसला नहीं है हमें। आप अगर कहेंगे तो हम कंटेनर इम्पोर्ट भी करके दे सकते हैं। अच्छा जी, हमारे कंटेनर आ रहे होते हैं, ये भी वही साइज़ है 18x36 4590 इंच सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी स्पेन की फुल बॉडी पोर्सिलेन टाइल है। ये वो आ जाते हैं, ये वॉशरूम की टाइल है जी। अच्छा जी, ये वॉशरूम टाइल है, ये देखें ये सारे इसके डिज़ाइन लगे हुए हैं। ये है 8x20 इसके जो इंचेज हैं, ये 8, ये किचन की है, और ये किचन की है, ठीक है। ये छोटी टाइल है, ये किचन की वॉल लगी हुई है, ये डिज़ाइन वाली टाइल किचन में लगी हुई है, ठीक है। और बाकी इसके दूसरे हिस्से जो हैं वो ये लगा और ये लगे हुए, ये भी सारा फ्रेम जो है ये स्पेन की, बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी हैं इसमें, ठीक है। और ये जो इन्होंने लगाया हुआ है ये सिर्फ इन्होंने एज ए सैम्पल के तौर पर लगाया, ये सिर्फ कट करके उन्होंने खुद बनाया हुआ, ये अवेलेबल इस तरह से होता है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ शो किया उन्होंने कि इतना क्या। अच्छा, ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्पेन का, ये अबेरो कंपनी ऊपर लिखा भी हुआ है। ये दूसरा है उनका जी। अच्छा, ये
पर पीस के हिसाब से है ये। ये दिखाइए जी क्या इसकी थिकनेस सर, मुझे एक बार फिर बता दीजिए। ये थिकनेस इसकी 12 mm है। हाँ जी 12 mm थिकनेस है और ये मोटिव का पीस है। ये पर पीस के हिसाब से 2000 रुपये का पीस है। 2000 का पीस। हाँ जी और ये डिज़ाइन भी ऊपर उन्होंने बनाया हुआ कि यहाँ पे ऐसे फिट होएगा ये लगा हुआ। बाकी इसकी जो अदर क्वालिटीज़ हैं जो यहाँ पे फ्रेम पे नहीं शो हो रही वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ये दिखा दीजिए कैमरामैन जरा पैन करके दिखा दीजिए कि ये अवेलेबल हैं सारी। ये सारा इसके तो साथ में स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है। हाँ जी कि नेम भी लिखे हुए। ये अबेरो के हैं जी। ठीक है जी आगे आ जाते हैं। ये बॉस सलोनी की टॉयल है। ये दो कलर है इसमें, एक सैंड है एक वाइट है। अच्छा और ये इनका साइज 12x36 है। हाँ। और ये हमने वैसे डिजाइन करके लगाई इस तरह। मोस्टली लोग लगाते हैं इसको इस साइज में, लेकिन हमने ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ। और ये भी देखें कि हमने बिल्कुल साथ जोड़ के लगाई है, इसकी वो क्वालिटी का इशू नहीं है जो लोगों की टाइलों में होता है। हमारे पास ये टाइलों में प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे ये बताएं मतलब लोग आजकल आ भी रहे हैं साइड पे चाइना और स्पेन की टाइल? बहुत आते हैं जो जो लोग अपना घर बना रहे हैं स्पेशली वो स्पेन और चाइना की टाइल लगा रहे हैं। अच्छा जो लोग बना रहे हैं मसलन लोगों के लिए जैसे बिल्डर हैं बड़े बड़े, वो फिर जब पाकिस्तान टाइल लोकल टाइल उसमें वो लगा लेते हैं, मिक्स एंड मैच वो भी करते हैं। कहीं स्पेशली किचन को जो फोकस किया जाता है, किचन में और वॉशरूम में, वहाँ पे टाइल लगाई जाती है अच्छी। मैं स्पेन की लगा दी या चाइना की अच्छी टाइल वॉशरूम में लगी, स्पेन की लगी वहाँ पे ये चीज़ें। मुझे रेट डिफरेंस बताइए, पाकिस्तानी टाइल अगर मैं यूज़ करता हूँ और अगर ये इम्पोर्टेड यूज़ कर रहा हूँ तो डिफरेंस कितना आएगा रेट का? रेट का काफ़ी सारा डिफरेंस आएगा। अच्छा जी अगर मैंने एक वॉशरूम के लिए यूज़ करनी है तो मुझे कितने की पाकिस्तानी पड़ेगी ऑलमोस्ट, एक हम आइडिया लगाते हैं? अगर आप वॉशरूम पाकिस्तानी टाइल लेना चाह रहे हैं, साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप छोटा साइज ले रहे हैं बड़ा साइज ले रहे हैं। अगर आप बड़ा साइज लेना चाहते हैं जैसे लाइक 12x36 है 1x3 है साइज, तो उसमें आपको पाकिस्तानी टाइल में काफ़ी सारा फर्क आ जाता है क्योंकि वहाँ पर भी क्वालिटीज़ है। ऊपर से सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है जो इम्पोर्ट में है वो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से जहाँ पे आके बाहर से इम्पोर्ट की टाइल महंगी पड़ती है और सस्ती लोकल तो डेफिनेटली सस्ती तो अच्छी आएगी ना घर की? सर लुक तो अच्छी आती है लेकिन जो बिल्डर है वो ये कहता है कि ये मुझे कहाँ से पैसे बचने हैं, उसने ये देखना होता है। लुक उसने निकालनी है आपकी जो किचन की और आपके वॉशरूम की, वो दो चीज़ें मोस्टली लोग देखते हैं यार किचन कहाँ पर क्या सेटअप बना हुआ और वॉशरूम का क्या सेटअप बना है। वहाँ पे वो किचन में लगा दिया कोरियन लगा दिया, वॉशरूम में भी कोरियन की निश्चित लगा दी और वैनिटीज़ एक दो लगवा दी, तो वो बंदा जो जो भी बंदा लेता है गार्जियन लेकर क्लाइंट वो मुतमिन हो जाता है कि यार इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि टाइल स्पेन की लगी है टाइल चाइना की लगी है या टाइल लोकल लगी है, उसने सिर्फ ये देखना कि इसने इसका कम्बिनेशन कैसे बनाया। अच्छा ये जी 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 ये भी बॉस बहुत अच्छी टाइल है, ये सलोनी की टाइल है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ सलोनी और बड़ी अच्छी टाइलें हैं ये, बड़ा ज़बरदस्त इनके डिज़ाइन बनते हैं। ठीक है तो ये बड़ी ज़बरदस्त टाइलें हैं हमारी स्पेन की। रनिंग ठीक है इसकी? हाँ जी रनिंग ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा जी इसलिए कुछ चीज़ें हमारी ना ये भी स्पेन की है, ये देखें ये अब इसका डिज़ाइन चेक करें आप। ये डिज़ाइन जो है ये अभी लोकल तो हम बनाने का सोच भी नहीं रहे और चाइना में भी ये चीज़ बन नहीं पाती। अच्छा। जो ने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी टाइल है, बड़ा डिज़ाइन इसका बड़ा हैवी है और ये पर पीस के हिसाब से बिकती टाइल। क्या रेट आपके पास? ये 8000 रुपये का पर पीस बिकेगा टाइल। अच्छा हाँ जी इतना मतलब कॉस्टली है ये? जी जी बिल्कुल, लेकिन ये कि ये टाइल की क्वालिटी टाइल की ग्रेडिंग ये सारी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें होती हैं स्पेन की। चाइना भी इनके टच कर रहा है इनको लेकिन अभी वो काफ़ी पीछे हैं इनके कंपेयरिंग में ना। अच्छा कोई और भी कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको टाइल्स के हवाले से? टाइल्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी घर बना रहे हैं जो भी घर ले रहे हैं वो जाके देखें कि उनको टाइल जो लगी है वो अच्छी क्वालिटी की लगी हो, और इम्पोर्टेड टाइल लगी हो तो इम्पोर्टेड टाइल के पैसे दें, लोकल लगी हो तो लोकल के पैसे दें। ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके बिजनेस के लिए सबके लिए ज़बरदस्त रहेगा। चलें सत्ता है सर, थैंक यू जी बात करके अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी सर। तो जी जनाब जैसे आज का रिव्यू था टाइल से आपको चाइना और स्पेन की टाइल्स मुख्तलिफ दिखाई जो शायद हम लोग आपको पहले नहीं दिखा पाए और ये इम्पोर्टर हैं, मुख्तलिफ प्राइसेज आपके साथ डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आज का रिव्यू आपको पसंद आया, अगर पसंद आया अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के पास।